दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज और एक न्यू रेसिपी लेके मैं आ गई हूँ आप लोग के सामने, जो कि बहुत ही चटपटा रेसिपी है। आप लोग एक बार बनाएंगे तो आप लोग को बार बार बनाने का मन करेगा। तो जब भी आप लोग को मन होगा, बहुत झटपट से ये बन जाता है, ये बना के खा सकते हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आपकी सबकी पसंद की टमाटर राइस। तो उससे पहले इन्ग्रीडियंट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग को चाहिए टमाटर, फिर प्याज, तेल, खड़े मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट, नॉर्मल राइस, कुछ मसाले और ग्रीन चिली। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं मैं आज कुकर में बनाने वाली हूँ। तो कुकर गर्म हो गया है। कुकर गर्म होने के बाद इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच तेल। तेल गर्म होने के बाद सारे खड़े मसाला, तो यहाँ पे लौंग, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च सब ली हूँ। उसके बाद एक तेज़पत्ता, और अभी मैं ऐड करूँगी कटी हुई प्याज। तो यहाँ पे 2 बड़े साइज़ का मैं प्याज को लंबा लंबा कट करके रखी हूँ, तो उसको यहाँ पे ऐड करूँगी। तो उससे पहले फ्रेंड्स, मैं भूल गई थी, यहाँ पे जो शाही जीरा है उसको मैं 1 चम्मच यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, और यहाँ पे जो कटी हुई प्याज है उसको मैं ऐड कर दी हूँ। 2 बड़े साइज़ का प्याज यहाँ पे फ्रेंड्स मैं कट के रखी थी। तो उसको अच्छे से थोड़ा सा भून लेते हैं कुछ देर मीडियम आंच में। और हमारा प्याज देखिए भुन चुका है। अभी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन की पेस्ट। तो आज मैं 1 कटोरा चावल की जो राइस है वही बना रही हूँ। आप अपने क्वांटिटी हिसाब से देख के बना सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर ऐड करेंगे। तो कोई भी राइस आप लोग यहाँ पे ले सकते, मतलब कोई भी चावल, नॉर्मल चावल, खाली बासमती चावल से बनेगा वो नहीं, आपका घर में जो भी आप लोग खाते हैं जो नॉर्मल चावल, उसी चावल से मैं आज बना रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स मैं 1 टमाटर को पेस्ट करके यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो टमाटर को पेस्ट करके डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो टमाटर को अभी अच्छे से कस लेते हैं, जब तक इसमें अच्छे से कलर ना आ जाए तब तक। ये बहुत ही झटपट फ्रेंड्स बन जाता है। तो देखिए अच्छे से कस चुका है। थोड़ा सा इसमें मैं हल्का सा पानी ऐड करूँगी। उससे पहले मैं यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देती हूँ। देखिए, तो चावल जितना हम लोग ऐड करेंगे उसी हिसाब से यहाँ पे नमक को मैं ऐड कर दी अभी, और हल्का से मैं पानी ऐड कर रही हूँ ताकि हमारा जो मसाला है वो थोड़ा सा ड्राई हो गया था। तो देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छे से कस चुका है। अभी फ्रेंड्स मैं इसमें ऐड करूँगी चावल। तो चावल को मैं 1 कटोरा ली थी, तो उसको मैं अच्छे से वॉश करके रखी थी, 10-15 मिनट पहले मैं धो के रख दी थी। तो इस तरह से नॉर्मल चावल आप लोग ले के बना सकते हैं। तो अभी अच्छे से टमाटर मसाला के साथ राइस को मिक्स कर देती इस तरह सा, ये देखिए, और 2 से 3 सेकंड इस तरह सा भून लेंगे चावल को। और अभी इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी हम लोग नाप के ऐड करेंगे। जैसे कि मैं 1 कटोरा चावल ली थी, तो 1 कटोरा के हिसाब से मैं यहाँ पे 2 कटोरा पानी ऐड करेंगे। तो चावल का डबल मात्रा में हम लोग पानी ऐड करेंगे। तो पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिला देंगे। तो ऊपर से मैं गरम मसाला थोड़ा सा 1/2 चम्मच ऐड कर रही हूँ। तो अभी अच्छा से दोबारा मिक्स कर देती हूँ, और कुकर का ढक्कन को अभी मैं बंद करके इसको मीडियम आंच में 2 सीटी आने तक पकाएंगे इसको। तो चलिए मैं कुकर का ढक्कन को बंद कर देती हूँ। इसको बनने में फ्रेंड्स 15 मिनट टाइम लगता है। तो देखिए ये बहुत अच्छा से कुक हो चुका है, गैस भी रिलीज हो गया है। देखिए आपको दिखा देती हूँ, देखिए कितना यम्मी लग रहा है फ्रेंड्स। तो बहुत ही टेस्टी बना है। आप लोग भी अपने घर में जल्दी बनाइए, खाइए। आपको एक बार बनाएंगे तो फ्रेंड्स बार बार खाने का मन करेगा। तो देखिए कितना यम्मी लग रहा है ना। चलिए इसको अभी सर्व कर लेते हैं प्लेट में। देखिए बहुत ही झटपट बनने वाला टमाटर राइस हम लोग का बनके रेडी हो गया है। तो चलिए इसको प्लेट में सर्व कर लेते हैं। आई होप आज का रेसिपी आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।